हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार डीएलएड सेशन आपके जो है 23 से 25 का फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो चुका है। विद इन वन मंथ में आपका रिजल्ट भी आ जाएंगे। और अब क्या है कि आपके सेकेंड ईयर की क्लासेस के लिए सारे कॉलेज में धीरे धीरे जो है एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो रहे हैं। आप सेकेंड ईयर में प्रवेश कर गए हैं तो अब आपके एडमिशन होंगे, फिर आपके सेकेंड ईयर के क्लासेस भी जो है बहुत जल्द विद इन वन वीक में स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने कॉलेज में पता कर ले कि आपके कॉलेज में कब से जो है एडमिशन की प्रक्रिया शुरू है, क्योंकि बिना एडमिशन कराए आपको दिक्कत होगी, एडमिशन करवाने होंगे। मैंने आपको फी स्ट्रक्चर के ऊपर बता दिया है, सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में कितने सेकेंड ईयर में फी लगते हैं वो सारी प्रक्रिया मैंने पिछली वीडियो में जो है बताया था। अभी मैं आपको जो है एक नोटिस बताने वाला हूं जो कि आपका निकला है डाइट डुमरा सीतामढ़ी का निकला हुआ है, जहां पर जो है एडमिशन को लेकर जो है सारे बच्चों को जो है नोटिस दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट डुमरा सीतामढ़ी, यहाँ का पिन कोड देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो है ईमेल आईडी भी दिया हुआ है और कार्यालय आदेश जो है जारी हुआ है। किन बच्चों के लिए? तो जिन बच्चों का सत्र आपका जो है क्या है 23 से 25 है, यानी कि वह बच्चे जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे चुके हैं अब सेकेंड ईयर में प्रवेश किए हैं, तो उनको सेकेंड ईयर में एडमिशन फी जमा करना होगा। समझ गया? या देखिएगा दिनांक 30/6/2024 से संस्थान के सत्र जो है 2023 से 25 के प्रथम वर्ष की समाप्ति की घोषणा की जाती है। यानी कि जो आपका जून था ना, जून में ही जो है आपका फर्स्ट ईयर की समाप्ति की घोषणा सीतामढ़ी, जो आपका डुमरा सीतामढ़ी है डाइट, वो कर दिया। अब साथ ही साथ यहाँ पर नीचे आपको जो है नोटिस में लिखा है कि उपयुक्त के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा पंजीकरण एवं आंतरिक बाहरी मूल्यांकन परीक्षा 2024 में सम्मिलित संस्थान के उक्त वर्ष के सभी प्रशिक्षुओं को औपबंधिक रूप से द्वितीय वर्ष में उत्कीर्णित किया जाता है। यानी कि अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन जो आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो ब्यौरा है उसके अनुसार जो है आपको क्या किया जा रहा है कि द्वितीय वर्ष के लिए जो है उत्क्रमित किया जाता है, यानी पास किया जा रहा है। बाकी आप फेल कीजिए वो तो अलग की बात है, लेकिन यहाँ कॉलेज जो है आपको पास करती है और वो आपको सेकेंड ईयर में भेज देती है। साथ ही साथ उपरोक्त उत्क्रमित प्रशिक्षु को द्वितीय वर्ष प्रशिक्षण वर्ग संचालन दिनांक जो है 1/7/2024 से निर्धारित समय प्रारंभ कर दिया गया है। यानी 1 जुलाई से ही जो है डाइट डुमरा सीतामढ़ी में आपका क्लास जो है शुरू हो गया है। साथ ही साथ द्वितीय वर्ष में उत्क्रमित प्रशिक्षुओं को द्वितीय वर्ष में नामांकन शुल्क का भुगतान संस्थान के बैंक खाता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर है विश्वनाथपुर शाखा में, दिनांक 1/7/2024 मतलब कि 1 जुलाई से लेकर आपको जमा जनरल नंबर के साथ जो है रसीद कार्यालय में निर्धारित रूप से जमा सुनिश्चित करना होगा। यानी जो सरकारी कॉलेज है यहाँ तो आपको फी कॉलेज में जमा नहीं करके बल्कि एक बैंक बता दिया जाता है, वहां पर जाकर आप जमा कीजिए और उसका रिसिप्ट लेकर कॉलेज में जमा कर दीजिए आधार कार्ड या एडमिट कार्ड के अटैच करके। समझ गए ना? द्वितीय वर्ष के नामांकन शुल्क जो है बिहार सरकार द्वारा निर्धारित है। यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य वर्ग, पिछला वर्ग और अति पिछला वर्ग के लिए 8500 रुपए और वहीं पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग के लिए 5000 रुपए, ये आपका जो है फी निर्धारित है। अतः निर्देशित किया जाता है कि सभी प्रशिक्षु 1/7/2024 से लेकर द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षण वर्ग संचालन में उपस्थित होना और दिनांक 15/7/2024 तक जो है नामांकन शुल्क जमा करना सुनिश्चित करें। यानी कि आपका डाइट डुमरा सीतामढ़ी में जो है नामांकन अंतिम तिथि आपको 15 जुलाई रखा गया है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है जो भी डाइट डुमरा सीतामढ़ी के बच्चे हैं वो सारे बच्चे जो है फी जमा करें और अपना द्वितीय वर्ष के संचालन में सहयोग दें और द्वितीय वर्ष की कक्षा को प्रारंभ करें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस आपको जो है 15 तारीख के बाद जो है सेकेंड ईयर के क्लासेस जो है स्टार्ट करेगी। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग धैर्य बनाकर रहिए, बहुत जल्द आपके क्लास स्टार्ट होंगे। साथ ही साथ जितने भी बच्चे हैं डीएलएड सेशन 23 से 25 में, वह सारे बच्चे अपने कॉलेज में पता कर ले, आपका सेकेंड ईयर की एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।